हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर एपिसोड ऑफ फिट फन ब्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर फिट एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल फिट फन ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफ स्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। सो आई एम श्योर आप लोगों को जो भी मैं वीडियोज अभी तक बनाता आया हूँ पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल या एक्सरसाइज, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने में अगर वो आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकें। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था गाइस कि मैं अपने मोस्टली अपडेट्स इंस्टा पे या फेसबुक पे शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने उसका अपने इंस्टा हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो अभी बेसिकली मैंने अपना एक पोस्ट डाला है, दैट इज़ ऑन मेरी करंट बॉडी कंडीशन। सो अब जिम्स खुल चुके हैं ऑफिशियली, ऑफकोर्स दिल्ली में, एंड आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जिम स्टार्ट भी कर दिए होंगे। आउटसाइड दिल्ली तो ऑफकोर्स करते ही थे, बट विद इन दिल्ली में भी रिसेंटली ओपन हुआ है। मैं एक प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ जो कि मैंने अपने लिए खुद डिज़ाइन किया है, बेसिस माई ओन बॉडी वेट। मैंने अपने मैक्रो प्लान करें कि किस तरीके से कितने प्रोटीन, कितना कार्ब और कितना फैट लेना है। मैं हर वीक एक पोस्ट डालूंगा इंस्टा पे, एंड ऑफकोर्स आप लोग खुद देख सकते हैं कि वो रिजल्ट कैसे आएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, टोटली नेचुरल है, कोई स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे, प्योर होम मेड डाइट्स हैं, और एक सप्लीमेंट है जो मैं फॉलो यूज़ करता हूँ अपने स्टैक में। ऑफकोर्स बाद में लेटर ऑन ऑफकोर्स मैं खुशी के साथ अपना स्टैक और अपने प्रोटीन्स जो मैं लेता हूँ वो मैं शेयर करूँगा, बट पहले मैं चाहता हूँ हम लोगों को रिजल्ट दिखे, उसके बाद ही मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपको शेयर करूँ, बिकॉज चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक एक रिजल्ट ना दिखे। सो ऑफकोर्स उन चीज़ों को मैं बाद में अपने चैनल पे वीडियो की फॉर्म में भी कवर करने की कोशिश करूँगा, बट राइट नाउ वो एक मेरा एक टारगेट है जो मेरे को अचीव करना है। एक विद इन अ मंथ जैसी वो होगा, ऑफकोर्स आपको उसके बाद मेरे वीडियोज आएंगे ऑन किस तरीके के डाइट्स मैंने फॉलो करे, कितना मेरा मैक्रो का प्लान था मेरी डाइट में, क्या क्या एक्सरसाइज मैंने फॉलो करी। सो जुड़े रहिएगा गाइस, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी आगे आने वाले वो वीडियोस जो कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बनाने वाला हूँ बेसिकली, और वो आपको भी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, एज ऑलवेज आई एम श्योर आप लोगों ने अभी इस वीडियो का भी टाइटल पढ़ा होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10+ फूड आइटम्स के बारे में जो आपको कंज्यूम करने चाहिए अगर आपको हाई बीपी रिलेटेड इश्यूज हैं। अब आई एम श्योर हाई बीपी के प्रॉब्लम हेरिडिटी भी होते हैं, आपके पेरेंट्स की वजह से आ सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से आ सकते हैं। एक तो हो गया कि यू हैव बीपी प्रॉब्लम, एंड लोग जनरली आपको बोलते हैं कि तला हुआ मत खाओ, घी मक्खन मत खाओ, कॉफ़ी नहीं पी सकते या स्पाइसी नहीं खा सकते, बट देर आर फूड्स जो बेसिकली आपको हेल्प कर सकते हैं टू लोअर डाउन योर ब्लड प्रेशर लेवल्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाइट जितनी अच्छी और क्लीन होगी उतना अच्छा आपका ब्लड फ्लो होगा, और उतने अच्छे आपके डाइजेशन होंगे, और ओवरऑल बॉडी की एक्टिविटीज़ उतनी अच्छी मेंटेन होंगी। सो इस वीडियो में हम लोग उन फूड आइटम्स की बात करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी आर फूड लिस्ट जो कि आपको हेल्प कर सकती है टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर लेवल। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हमारे वो 10+ फूड आइटम्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू लोअर डाउन योर बीपी एंड मेंटेन योर बीपी लेवल्स। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा नॉर्मल बीपी लेवल 120-80 या फिर 130-80 होता है डिपेंडिंग ऑन द एज। सो वो आपको मेंटेन करने का आप लोग ज़रूर टारगेट रखते हैं टू बी नॉर्मल एंड लिव हेल्दी। सो आप लोग इन चीज़ों को, इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में किसी ना किसी तरीके से उसका पार्ट बनाएं, ट्राई कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी तरीके से इन फूड्स या न्यूट्रिशन एलिमेंट्स ने हेल्प करा किसी तरीके से आपके बीपी को कंट्रोल करने में। एंड एज ऑलवेज गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड कमेंट करें अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए। टिल द टाइम गाइस, स्टे फिट, हैव फन, एंड बाय बाय फॉर नाउ।